हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी आई पी एडवांस टैक में तो भाई जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था एस एस सी जेई का ठीक है एस एस सी जेई का जो 2018 का एग्ज़ाम था वो एस एस सी में हुआ था ठीक है तो वो जो एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट कराया गया था वो एग्जाम हमारा अलग अलग डेट्स में हुआ था जैसे कि अगर सिविल की हम बात करें तो सिविल का तेईस सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था तेईस सितंबर 2019 को ठीक है तो वो इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था वैसे ही पच्चीस सितंबर को दो एग्जाम हुए थे तो जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हुए थे ठीक है यानी कि ये एग्जाम हमारे एस एस के कंडक्ट कराए गए थे तो मैं जो एस एस का कहीं जी सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ये सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन लेकर के आया हूँ ठीक है इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रहेगा इसके जितने भी क्वेश्चन हमारे 2018 का जो पेपर था जो 2019 में कंडक्ट कराया गया था वो सारे क्वेश्चन हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे और ये इस सब्जेक्ट वाइज चलेंगे ठीक है सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमने उठाया है वो स्टैंड ऑफ मटेरियल उठाया है इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कंप्लीट करेंगे हम और अगर आप लोगों का सपोर्ट uh, रहा तो जो पहले भी क्वेश्चन है जो 2017 के पेपर हैं 2016 के पेपर हैं वो हम सब्जेक्ट वाइज ही लेकर के आएंगे और सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट वाइज प्लस के चैप्टर वाइज आप कहोगे सर ये किस तरीके से आप सोल्व कराने वाले हो तो मैंने कहा देखो भाई ये मार्केट में एक बुक है आप लोगों को पता होगा आई मास्टर पब्लिकेशन की ये बुक आप लोगों के पास है जो एस एस सी के नाम से लोन छई थी मार्केट में तो इस बुक में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन थे ना ठीक है वो सारे क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूड करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो टू से लेकर के टू तक के जितने भी पेपर थे यानी कि एटीन वाला ये पेपर नाइनटीन में कंडक्ट कराया गया था लेकिन नाम तो उसका एटीन ही रहेगा ना तो ये जो भी क्वेश्चन है हमारे वो हम सब देखेंगे और काफी डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कर देना ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हाँ साथ ही दोस्तों एक चीज़ मैं और आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो है कॉल थर्टी फाइव ठीक है थर्टी फाइव्स हमारे पेपर इंक्लूड करे गए हैं जो एस एस प्रीवियस ईयर के हैं इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो थर्टी फाइव पेपर्स गाइज़ काफ़ी पेपर्स होते हैं हमारे अगर हम इनको डिटेल में सोल्यू कर लेते हैं तो लगभग सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट तो हमारा टेक्निकल सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और काफ़ी सीरियस लेकर के गए इस सीरीज़ को आप पढ़ेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्वेश्चन अपने तो गाइज सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वो आप देख रहे होंगे कि एस एस सी का ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है तेईस सितंबर का है और मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइज अ वन मीटर लॉन्ग स्टील रोड विद क्रॉस सेक्शन 20 एम एम वाई ट्वेंटी एम इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ फोर्टी किलोमीटर डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द रोड इफ़ द मॉडल्स ऑफ इलास्टिक इज टू हंड्रेड गीगा पास कर गाइज एक रोड हमारे पास है ठीक है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास गिविन है ठीक है और उस पर जो फोर्स लग रहा है आपका वो कैसा फोर्स है टेंसाइल नेचर का फोर्स है और वो फोर्टी किलो न्यूटन का है और उसका जो मॉडलस ऑफ इलास्टिक है वो भी हमको गिविन है टू हंड्रेड गीगा पास तो आप लोगों को ये बताना है कि उसमें जो इलोंगेशन आने वाला है वो कितना इलॉगेशन आने वाला है इसका सही आंसर बताएंगे गायज सही आंसर क्या होगा सब लोगों का सही आंसर आना चाहिए तो देखो वैज़ इसका सही आंसर जो हो जाता आप लोग के पास वो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ठीक है बात करेंगे कि क्वेश्चन को हमको किस तरीके से सोल्व करना है क्या हमसे क्वेश्चन में कह रहा है तो वैज़ क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कहा था हमसे कि एक हमारे पास क्या है कि एक वन मीटर की रोड है ठीक है और उस पर फोर्टी किलो न्यूटन का टेंसाइल नेचर का फोर्स हमारे पास लग रहा है उसका एरिया ऑफ क्रोसेक्शन हमको गिबिन था ट्वेंटी एम एम बाई ट्वेंटी एम एम हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्शन है तो हमको ये बताना है कि इस बॉडी में इस टेंसाइल फोर्स की वजह से कितना एलोंगेशन आ जाएगा इसकी लेंथ कितनी चेंज आप लोगों की हो जाएगी तो इसका फॉर्मूला वाइज हमको एक पहले से ही पता होता है आप लोग को ये फॉर्मूला नोन होगा कि डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है आप लोग के पास अगर मैं बात करूं तो डेल्टा इज इक्वल टू फार्मूला होता है पी एल अपॉन ए ई ठीक है जहाँ पे पी आप लोग के पास फोर्स होता है एल उसकी लेंथ होती है मेंबर की ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है और ई e जो होता है आप लोग के पास वो मॉडलस ऑफ इलास्टिकसिटी होता है जो कि हमें क्वेश्चन में गिविन है ठीक है क्वेश्चन में हमारे पास गिविन था टू हंड्रेड गीगा पासकल तो हमने उसको क्या करा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया मेगा पास्कल में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया और सारी वैल्यूज हमारे पास नॉन है ये पी की वैल्यूज़ थी ये एल की वैल्यूज थी वन मीटर तो उसको एम mm एम में कन्वर्ट कर लिया ये इ e की वैल्यूज भी हमने न्यूटन पर एमएम स्क्स एम एम स्क्वायर में आ गया ठीक है तो जब आप इसको फाइनली सोल्व करोगे तो डेल्टा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी जाएगी? 5 mm आ जाएगी फाइव एम एम आ जाएगी ठीक है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है guys. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि पॉइजन रेशियो ऑफ रबर लाइज बिटवीन आप लोग को बताना है कि जो पॉइजन्स रेशियो होता है आप लोग का रबर जो मेंबर आप होता है आप लोग के पास मटेरियल होता है उसका पॉइजन्स रेशियो आप लोग को बताना है कितना होगा तो कई डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइजन्स रेशियो हमारे पास होता है अगर हम बात करें रबर के लिए तो रबर की जो रेंज होती है आप लोगों की वो जीरो से लेकर के जीरो पॉइंट तक आप लोग की रेंज होती है ठीक है अगर बात करें मैक्सिमम पॉइन्स रेशियो की वैल्यू की तो सबसे ज़्यादा आप लोग का रबर के ही केस में आप लोग को देखने को मिलेगा जीरो पॉइंट फाइव अच्छा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या क्या होता है तो एक बार हम बात करेंगे यहाँ पे एक ये पूछे जाते हैं कॉर्क के लिए आप याद रखोगे जीरो पॉइजनस रेशियो होता है कॉन्क्रीट के लिए जीरो पॉइंट वन से लेकर के जीरो पॉइंट टू तक होता है एलूमिनियम के लिए जीरो पॉइंट थ्री थ्री होता है और स्टील के लिए आप लोगों का जीरो पॉइंट टू सेवन से लेकर के जीरो पॉइंट थ्री और जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है रबर ठीक है उसके लिए कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव होता है तो यहाँ कहीं इस केस में जो मैक्सिमम आप लोग को देखने को मिल रहा है इन सब मटेरियल्स में जो हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं उनका ही केवल हमको याद रखना होता है तो रबर के केस में आप लोगों को कितना मिल रहा है जीरो पॉइंट फाइव अगर रेंज की बात करें तो रेंज के केस में आप लोग को ध्यान रखना है कि जीरो पॉइंट फोर फाइव से लेकर के जीरो पॉइंट फाइव जीरो तक जो आप लोग की रेंज होगी वो क्या होगी पॉइजन्स रेशियो होगा किसका रबर का ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोगों से बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द बल्क मॉडल्स जो आपके पास बल्क मॉडल्स होता है के एंड द यंग मॉडल्स ई जो आपके पास यंग मॉडल्स है ई e, और जो पॉइजन्स रेशियो है गाइज वन अपॉन एम उसमें रिलेशन बताना आप लोगों को क्या होगा गाइज गिविन क्या क्या है हमारे पास हमारे पास बल्क मॉडलस के है ठीक है यंग मॉडल्स ई है और जो पॉइजन्स रेशियो हम म्यू लेते हैं गाइज उसकी वैल्यू हमको गिविन है वन बाई एम ठीक है तो इस रिलेशन को हमको फाइंड आउट करना रिलेशन होगा क्या तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ हम जो रिलेशन याद रखते हैं वो हमारे पास रिलेशन ये होता है कि ई इज इकल टू थ्री के वन माइनस के टू म्यू तो ई e तो ई e रहेगा के भी के रहेगा लेकिन इस म्यू की जगह हमारे पास उन्होंने गिविन है कि वन बाई एम आपको पुट करना है तो भाई जब आप म्यू की जगह वन बाई एम पुट करोगे तो सोल्व करने के बाद के की वैल्यू ये आ जाएगी ठीक है तो यही हमें ऑप्शन में दे रखा है के इज इक्ल टू कितना हो जाएगा एम ई अपॉन थ्री एम माइनस के टू जब आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे तो के वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो देखो गाइज नेक्स्ट आ जाता है ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी 2018 का ही है जो एग्जाम 23 सितंबर 2019 को हुआ था और इवनिंग सेशन में हुआ था तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सीअर स्ट्रेस डैश इज स्ट्रेस काइज आपको बताना है कि सीयर स्ट्रेस जो आप लोग की स्ट्रेस होती है वो किस तरीके की स्ट्रेस होती हैं बेंडिंग स्ट्रेस होती हैं टेंजेंशियल होती हैं नॉर्मल स्ट्रेस होती हैं प्रूफ स्ट्रेस होती हैं तो काइज मैं आप लोग को बता दूं कि जो आप लोगों के पास सीयर स्ट्रेस होती है वो एक टाइप होता है किसका टेंजेंशियल स्ट्रेसिस का किसका होता है टेंजेंशियल स्ट्रेसिस का किस तरीके से होता है चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं यहाँ पे देखिए इस एक ब्लॉक आप लोग को नज़र आ रहा होगा उस ब्लॉक की डायमेंशन इसकी ब्रिथ बी है लेंथ एल है और इसकी हाइट जो है वो एच है अगर आप सीयर फोर्स की बात करें तो मान लो कि सीयर फोर्स आप लोगों के पास क्या है वी है और अगर एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू एल b इन टू एल क्या हो जाएगा मान लो कि जो टॉप वाली सरफेस थी इस टॉप वाली सरफेस पे ही आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हो f तो टेंजेंशियल फोर्स किस सरफेस पे लग रहा है टॉप सरफेस पे तो टॉप सरफेस का अब जिस फोर्स जिस सरफेस पे आपका फोर्स लगेगा उसी का तो एरिया आप लोगे तो उसका जो टॉप वाली सरफेस है उसका एरिया कितना हो जाएगा बी उसकी बिड है एल उसकी लेंथ है तो बी इन टू एल क्या हो जाएगा आप लोग के पास एरिया हो जाएगा जब आप सीयर स्ट्रेस निकालोगे तो सीयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा सीअर फोर्स पर यूनिट एरिया अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसका यूनिट क्या होगी तो यूनिट हो जाएगी इसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कैसे एक यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मुझे आपको बताना है आप ये ध्यान रखेंगे कि वन पास्कल जो होता है ना आप लोगों का वो वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के बराबर होता है इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और वहीं पर वन किलो पास्कल जो आप लोगों का होता है वो वन किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के बराबर होता है ठीक है सॉरी गाइस ये थोड़ा मिस्टेक हो गया वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के और वन किलो पास्कल जो होता है वो वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ठीक है एक बार मैं इसको फिर से बताता हूँ भाई मिस्टेक हो गया कि वन पास्कल जो होता है वो आप लोग का वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है वन किलो पास्कल जो होता है वो आप लोग का वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है ठीक है और वन आप लोग का जो मेगा पास्कल होता है वो आप लोगों का वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के बराबर होता है ठीक है और वन गीगा पासकल जो होता है वो आप लोगों का वन किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के बराबर होता है ठीक है ये चारों चीज़ें आप याद रखना डायरेक्ट आप लोगों को हेल्प करेंगी आप यूनिट कन्वर्जन में थोड़ा टाइम लगा सकते हो लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे तो डायरेक्ट आप लोग को ये बहुत हेल्पफुल होंगी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोगों से बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एक्सियल लोड ऑफ द बार इज गाइज आप लोग को रेशियो बताना है रेशियो बताना जो स्ट्रेस आप लोगों की डेवलप्ड हुई है सडन अप्लाइड लोड की वजह से और जो स्ट्रेस आप लोगों की डेवलप्ड हुई है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की वजह से तो दोनों के बीच आप लोगों को स्ट्रेस रेशियो बताना है कितना होगा अगर मान लो कि कहीं पहले जो आप लोगों का सडन लोड था उसकी वजह से जो आप लोगों का स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ है अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो होता है टू पी अपॉन ए ठीक है और इसी के अगर रेशियो ले मैं किसके साथ स्ट्रेस जो आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की वजह से तो वो होता है पी अपॉन ए यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस आप देखो ए से ए कैंसिल हो गया पी से पी कैंसिल हो गया तो इन दोनों का जो रेशियो आता है वो आप लोग का टू आ जाता है मतलब जो सडन अप्लाइड लोड होता है उसमें जो लोड का इफेक्ट हो जाता है ना वो दुगना हो जाता है ठीक है टू टाइम्स हो जाता है लेकिन जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है आप लोगों का अगर उसमें पी आप लोड लगा रहे हो तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में उसका इफेक्ट जो रहेगा वो भी पी रहेगा लेकिन अगर आप क्या है सडन अप्लाइड लोड में लोड पी लगा रहे हो तो जो उसका इफेक्ट दिखाई देता है ना वो टू टाइम्स दिखाई देता है यानी कि टू पी आप लोगों का वो हो जाता है और जब आप इनके रेशियो की बात करोगे तो रेशियो के केस में आप लोगों का टू पी अपॉन ए था और नीचे जो आएगा वो कितना आएगा पी अपन ए आएगा ठीक है तो ये कैंसिल हो गया पी A ए पी अपन और कितना बचा केवल टू तो यहाँ से जो रेशियो आ जाता है वो कितना आ जाता है आप लोग के पास टू आ जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है चलो नेक्स्ट बात करते हैं कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इस क्वेश्चन की बात करेंगे वन है के सीयर मोडुलस ऑफ द इलास्टिकसिटी इज़ द रेशियो ऑफ आप लोग को बताना है कि जो सीयर मोडलस आप लोग के पास होता है जी ठीक है तो सीअर मोडलस जो आप लोग के पास जी है ये बताना है किस किस का रेशियो होता है सीयर स्ट्रेस टू तो सीयर स्ट्रेन होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है बेंडिंग स्ट्रेस टू स्ट्रेन होता है या फिर टेंसाइल स्ट्रेस टू स्ट्रेन होता है तो कहीं जो आप लोग का मोडलस ऑफ जो सीयर मोडलस होता है आप लोग का ये होता है सीयर स्ट्रेस अपॉन सीयर स्ट्रेन ठीक है इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे जो सीर स्ट्रेस अपॉन सीयर स्ट्रेन होता है उसको बोलते हैं सीयर मोडलस तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ठीक है एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ई ई जो होता है यंग मॉडल्स ये किस किस का रेशियो होता है अगर मैं ई के बारे में आप लोग को बताऊं तो ये आप लोग का नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है उसका रेशियो होता है आप लोग का यंग मॉडलस और वहीं पर एक आता है आप लोग के पास बल्क मॉडल्स तो बल्क मॉडलस आप लोग के पास के होता क्या होता है जो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन क्या होता है सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन कितना होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ठीक है तो ये आप लोग के पास बल्क मॉडलस आ जाता है जी आप लोग के पास सीयर मॉडल्स आ जाता है और बी आप लोग के पास ई e आप लोग के पास यंग मॉडलस आ जाता है ठीक है तो तीनों की डेफिनेशन आप याद रखोगे तीनों की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2018 थाउजेंड एटीन का ये गाइज ये 2018 का हमारा पेपर है जो 23 सितंबर को हुआ था और ये मॉर्निंग सेशन का है 25 सितंबर वाला ठीक है कौन सा है गाइज पच्चीस सितंबर का मैंने शुरू में आप लोग को बताया था तेईस और ट्वेंटी 23 और 25 को हमारा एग्ज़ाम हुआ था जो 2018 वाला था वो 19 में और 23 और 25 सितंबर को हुआ था 19 में ठीक है चलो इसके बारे में बात करते हैं जो क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा है इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स इसमें कह रहा है फोर आर मटेरियल हैविंग द मोडलस ऑफ इलास्टिक ई एंड मॉडलस ऑफ रिजिडिटी एन कहाज मॉडलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो तो एन है और जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिक है वो ई e है और यहाँ पर क्या रखा है इट सीन दैट ई इज इकल टू टू एन यानी कि रिलेशन दे रखा है e ई में और एन में वो कितना है ई इजकल टू टू एन ठीक है यानी कि जिसको अब तक हम क्या लेते थे जी लेते थे जो कि हमारा सीयर मोडलस होता था वो इन्होंने अब उसको क्या ले लिया है एन ले लिया है कोई बात नहीं उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट कह रहे हैं बल्क मोडलस के ऑफ द मटेरियल हमको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ये चार ऑप्शन आप लोगों के पास हैं इनमें से बल्क मॉडलस क्या होगा ठीक है सही इसको सही तरीके से हम सोल्व करेंगे चलिए बात करेंगे पहले इसके आंसर मैं आप लोग को बता दूँगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है चलिए सोल्व करेंगे किस तरीके से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गाइज क्वेश्चन में गिविन है हमारे पास क्या क्या गिविन है हम लोगों को क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि ई इक्वल टू कितना है टू एन ए और हमको पता है कि ई इक्वल टू कितना होता है टू जी वन प्लस के म्यू होता है लेकिन इन्होंने इस जी को क्या बोल रखा है एन बोल रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया ई इक्वल टू हो गया टू एन वन प्लस के म्यू ये हमारे पास हो गया तो यही रिलेशन हमने रखा ई इजिकल टू टू एन प्लस के म्यू अब हमने क्या करा ये जो हमारे पास ई e की वैल्यू थी टू एन इसको हमने पुट कर दिया इसकी जगह इसकी जगह हमने पुट करा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी टू एन इजिकल टू आ जाएगा टू एन वन प्लस के म्यू और यहाँ से टू एन से टू एन आपका कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स तो वन इजिकल टू आएगा वन माइनस के म्यू वन प्लस के म्यू और जब यहाँ से आप म्यू की वैल्यू निकालोगे सोल्व करके तो म्यू की वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी जीरो यानी कि म्यू आप लोग के पास कितना आ जाता है गाई? म्यू सोल्व करके आप लोग के पास आ जाता है जीरो अब हमारे पास एक रिलेशन होता है जो यंग मॉडल्स होता है हमारे पास ई या मॉडल्स ऑफ इलास्टिक होता है और जो बल्क मॉडल्स होता है के इनमें एक रिलेशन होता है वो क्या होता है सर ई इज इक्ल टू होता है थ्री के वन प्लस के टू म्यू ये हमारे पास रिलेशन होता है तो अभी हम क्या करने वाले हैं इस रिलेशन में म्यू की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई अभी हमने कैलकुलेट करा था ये पोर्सन तो ज़ीरो हो गया ठीक है तो कितना बचा थ्री के इज इक्ल टू बचा ई e, यानी कि ई इज इक्ल टू हमारे पास कितना आएगा थ्री के और जब आप यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा ई e अपॉन थ्री इस तरीके से हमने इसको सोल्व करा और के हमारे पास आ जाता है तो कैजे ये जो हमारे पास क्वेश्चन थे ये हमारे पास पहले चैप्टर के थे ठीक है जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आप लोग के साथ डिस्कस करें जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसके पहले चैप्टर के क्वेश्चन मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करें पहला चैप्टर कौन सा है तो कैज ये हमारा पहला चैप्टर था जिसके मैंने अभी आप लोग के साथ क्वेश्चन डिस्कस करे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले चैप्टर का नाम भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर वन था इसके क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जरूर बताना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी गाइज अगर आप कमेंट करके बताओगे ये कहोगे कि हाँ सर सीरीज़ अच्छी है और इसको कंटिन्यू करो तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और इसमें बहुत सारी डिटेल में गाइज चीज़ें दी हुई हैं ठीक है ठीके? मैं अपने पास से कुछ नहीं करा रहा हूँ बस मैं आप लोग को चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ ये एक बुक है ठीक है जो मार्केट में अवेलेबल है आप भी अगर इसको परचेज़ करना चाहते हो तो अमेजन या फिर फ़्लपकार्ट वगैरह से आप इसको परचेज़ कर सकते हो आप लोग को बुक मिल जाएगी लेकिन अगर आप बुक नहीं परचेज़ कर सकते हो तो मैं आप लोग को क्या है जो एट्टीन वाला पेपर था जो नाइनटीन में हुआ था उसके सारे सोल्यूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा विद डिटेल ठीक है अगर आप ये चाहते हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़ कि हाँ सर सीरीज़ कंटिन्यू करनी है या नहीं ठीक है मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो